अहमदाबाद के तीर्थयात्री पर्यटक की मांडू भ्रमण के दौरान हुई मांडू में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रथम दृष्टिया हार्ट अटैक का कारण बता रहे हैं डॉक्टर। स्वजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल, रूपमती महल के नीचे अचानक बिगड़ी तबीयत। मांडू में अहमदाबाद से आए जैन तीर्थयात्री और पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह 11 बजे की है। ऐतिहासिक रूपमती महल के नीचे क्षेत्र में अचानक पर्यटक की तबीयत बिगड़ी। पर्यटक के परिवार को मांडू के अस्पताल की खराब स्थिति की जानकारी मिलने के बाद सीधे नालछा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिजन और स्थानीय निवासी ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाविन शाह 48 वर्ष निवासी अहमदाबाद गुजरात अपने परिजनों और अन्य साथियों के साथ शुक्रवार रात को मांडू पहुंचे। मुख्य रूप से वहां मांडू स्थित जैन तीर्थ पर दर्शन के लिए आए। सुबह दर्शन करने के बाद अपने साथियों और परिवार वालों के साथ वह रानी रूपमती महल घूमने के लिए गए। इस दौरान रूपमती महल के नीचे क्षेत्र में अचानक उन्हें घबराहट हुई। इस दौरान एक पर्यटक एक अन्य वाहन में एयर कंडीशनर चालू कर कुछ देर बैठे। स्वजनों को जानकारी मिलने के बाद तत्काल उन्हें नालछा के अस्पताल ले जाया गया, जहां तीर्थयात्री पर्यटक को मृत घोषित कर दिया गया। स्वजनों और समाजजनों के साथ तीर्थयात्रा पर निकलने पर गुजरात की इस परिवार के साथ अनहोनी घटना होने के बाद सभी साथीगण बेहद दुखी थे और उनका रो रो कर बुरा हाल। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जोगिंदर डावर ने बताया कि यहां पहुंचने के लगभग 20 मिनट पहले ही बाविन ने दम तोड़ दिया। हमने यहां उसके बाद भी कोशिश कर स्वजनों को मौत की जानकारी दी, पर वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम उन्हें धार किसी बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए यहां से ले जाना चाहते और वह यहां से धार की ओर रवाना हो। मांडू में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधा सरकार के दावे खोखले। देश का बड़ा पर्यटन स्थल होने के बाद भी मांडू में स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर। हालात यहाँ है कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली हमेशा चर्चाओं का केंद्र है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मांडू के हालातों से परिचित है। पूर्व में भी यहाँ समय समय पर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के कारण पर्यटक दम छोड़ चुके। बावजूद इसके जवाबदारों को इस गंभीर स्थिति से कोई लेना देना नहीं। महत्वपूर्ण अतिथियों के मांडू आने पर प्रशासन ताबड़तोड़ यहां सारी व्यवस्थाएं जमा देता है, पर यहां आने वाले लाखों सैलानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। पिछले दिनों यहां एक बालक को कुत्ता काटने के बाद टिटनेस और रेबिस के इंजेक्शन तक नहीं मिल पाए। लोगों का मानना है कि अगर मांडू के अस्पताल में सुविधा होती तो गुजरात के पर्यटक को अगर यहाँ लाया जाता तो हो सकता है समय रहते उसकी जान बच जाती। अटैक आने के बाद उसे मांडू से नालछा स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने में लगभग आधा घंटा लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पर्यटन स्थलों और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जाने वाले प्रशासन और सरकार की जमीन पर बेहद खोखले नजर आते। NTV टाइम, जनता की बात, जनता के साथ।